आठ फेरों का आठवां वचन। स्वाति ने इसी साल शहर के कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है और अब उसके लिए जगह जगह से रिश्ते आने लगे हैं। स्वाति से ज्यादा उसके रिश्तेदारों को उसकी शादी की चिंता है, इसीलिए जो भी स्वाति के घर आता वो किसी नए लड़के की खबर जरूर ले आता। अरे दीदी, ये फोटो देख के बताओ कैसा है। राहुल नाम है लड़के का, मेरी सहेली की बहन का बेटा है। अपनी स्वाति के साथ एकदम प्यारी जोड़ी लगेगी इसकी। जरा दिखाना, फोटो तो बढ़िया लग रहा है। कोई गलत आदत वादत तो नहीं है ना इसे? और कमाता कितना है? अरे कोई गलत आदत नहीं है दीदी, आप कहो तो एक मीटिंग करवा देती हूँ, फिर सब कुछ फाइनल कर लेना। हाँ हाँ, ये सही कह रही हो तुम। संडे को स्वाति के पापा भी घर पे ही रहेंगे। बुआ फिर वहां से चली जाती है और रात को स्वाति की माँ उससे कहती है, स्वाति बेटा, आज कमला बुआ ने एक लड़के की फोटो दिखाई है, संडे को वो लोग मिलने आ रहे हैं, तैयार होना तुम बेटा। अरे मम्मी, आप कहाँ कमला बुआ के चक्कर में आ जाती हो, अभी इतनी जल्दी कोई शादी वादी नहीं करनी है मुझे। अरे बेटा, अच्छा लड़का है, बुआ जानती है उसे अच्छे से। हाँ स्वाति बेटा, एक बार मिल तो लो, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। वैसे तो कमला रिश्ता लाई है तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। संडे की सुबह होती है और कमला बुआ राहुल और उसके मम्मी पापा को लेकर स्वाति के घर आती है। अरे आइए आइए भाभी, इसे अपना ही घर समझिए, इनसे मिलिए, ये मेरे भैया और ये मेरी भाभी है। नमस्ते भाभी जी, ये है हमारा लड़का राहुल, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ये। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? अरे स्वाति बेटा, बाहर आ जाओ। वैसे कितनी पढ़ाई की है स्वाति ने? जी, पोस्ट ग्रेजुएट है हमारी बेटी साइंस में। ये सब तो ठीक है, पर घर संभालना जानती है या नहीं? हमें कौन सी इससे नौकरी करवानी है, नौकरी तो मेरा बेटा करेगा ही। पर मैंने इतनी पढ़ाई की है और आप चाहती हैं कि मैं घर पर ही बैठी रहूं? अरे स्वाति बेटा, ये बड़ों की बात में तुम कहां बोल पड़ी, हम सब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। हम तो इसी बात में विश्वास करते हैं कि घर के लड़कियां घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। वरना भाई साहब, आप तो आजकल के हाल जानते ही हैं, कितनी घटनाएं होने लगी हैं औरतों के खिलाफ। स्वाति बेटा, रसोई का काम तो पूरा जानती हो ना, शादी के बाद तुम्हें ही संभालना है वो सब। अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, आप सब लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। लो भाई, हो गई मीटिंग, अब शादी की तारीख फाइनल कर लेते हैं, क्यों भैया? भाई हम तो पंडित जी से चर्चा करने के बाद ही तारीख फाइनल करेंगे, सालों से हम उनकी बातें मानते हुए आ रहे हैं। लड़के वाले और कमला बुआ की बातें सुनकर स्वाति एकदम नाराज हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शादी के बाद उसे घर पर ही बैठना पड़ेगा, लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है। शादी का दिन आ जाता है और सब मंडप में जमा होते हैं। अब फेरों का समय होगा, अब फेरों का समय होगा, अपने वर से सात वचन मांगेगी, अपने वर से सात वचन मांगेगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में जाए तो मुझे भी ले जाएंगे, तो मुझे भी ले जाएंगे। माता पिता का भी बराबरी से माता पिता का भी बराबरी से सम्मान करेंगे, हमेशा मेरा साथ निभाएंगे, हमेशा मेरा साथ निभाएंगे। आपको दोनों परिवार की जिम्मेदारियां, दोनों परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, हर जरूरी बात में मेरी भी राय, हर जरूरी बात में मेरी भी राय। आप सभी गलत आदतों से दूर रहेंगे, गलत आदतों से दूर रहेंगे, मेरे अलावा किसी और मेरे अलावा किसी और औरत से कोई गलत संबंध। ये सात वचन पूरे हुए, सात वचन पूरे हुए, ये सारे वचन मंजूर हैं, ये सारे वचन मंजूर हैं। जी हाँ पंडित जी, मैं सारे वचन अच्छे तरीके से, सारे वचन अच्छे तरीके से निभाऊंगा। अरे वाह वाह, बढ़िया तरीके से सब संपन्न हो गया, सब काम संपन्न हो गया, इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ, इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ, ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी। पंडित जी एक वचन लेना बाकी है। अब कौन सा वचन है बेटा, अब कौन सा वचन है बेटा? मैं अब हमेशा के लिए किसी दूसरे घर में जाने वाली हूँ, किसी दूसरे घर में जाने वाली अलावा
तो मैं अपने सास ससुर से भी एक वचन लेना चाहूंगी। एक वचन लेना चाहूंगी। कहो बेटी, अब कहो बेटी। मैं ये चाहती हूँ कि मुझ पर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मुझे सब कुछ करने की आजादी, मुझे सब कुछ करने की आजादी। मैं भी विश्वास दिलाती हूँ, और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। स्वाति की बात सुनकर उसकी सास ससुर एकदम चौंक जाते हैं, एकदम कुछ बोल नहीं पाते कि कमला बुआ बोल पड़ती है। कमला बुआ बोल पड़ती है, अरे बेटा, अरे बेटा, कोई रानी बन के रहोगी तुम, रानी बन के रहोगी तुम। वचन देने से पहले सोच लीजिए, वचन देने से पहले शास्त्रों में वचन ना निभाने वालों के लिए, वचन ना निभाने वालों के लिए नरक से भी बदतर सजा लिखी है। स्वाति की चालाकी से प्रभावित हो जाते हैं सब लोग, और लोगों में बदनामी और लोगों में बदनामी कारण हो जाए कि इस कारण स्वाति के उसे वचन को देना, उसे वचन देना। और कैसी अपशकुन वाली बातें कर रहे हैं आप, अपशकुन वाली बातें कर रहे हैं आप पंडित जी। हमें मंजूर है बेटा, तुम्हें मंजूर है बेटा, तुम्हारी शर्त। अपनी समझदारी से, अपनी समझदारी से ससुराल वालों से मनवा लेती है, ससुराल वालों से खुशी खुशी राहुल से शादी, खुशी खुशी राहुल से शादी कर। अब से हर शादी में मैं खुद से हर शादी में मैं खुद आठ वचन दिलवाऊंगा। मंगलम 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 मंगलम।